अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये मटन चाप बनाने जा रहे हैं। वैसे तो कई तरीके से बनती है मटन चाप, लेकिन ये ट्रेडिशनली जैसे बनती है मुगलई कुजीन में, हम उसी तरीके से बना रहे हैं। ये हमने चापें ली हैं आधा किलो। इसको हमने थोड़ा सा ये कूच लिया है, चाहे आप सिलबट्टे पे थोड़ा सा इसको कूच लें या किसी और चीज़ से कूच लें, जैसे ये इसके अंदर गलावट जो है या नमक है वो अच्छे से पहुंच जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा हमने नमक लिया है और ये 2 चम्मच कच्चा पपीता हम इसमें अच्छी तरीके से मिला देंगे और फिर इसको जो है हम 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये हमने अच्छी तरीके से इसमें पपीता और नमक को मिक्स कर दिया है इस तरीके से। अब इसको हम 1 या 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर इसके बाद हम इसमें और मसाले मिलाएंगे। ये हमने कुछ मसाले लिए हैं। ये आधा चम्मच खसखस है, ये 1 चम्मच काजू है, ये आधा चम्मच नारियल का लच्छा है, ये 1 प्याज है जिसको हमने फ्राई करके निकाल लिया है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच, ये 4 चम्मच भर के बेसन है, इस तरह से भरे हुए लेने हैं, इसको भून लेना है, ड्राई रोस्ट कर लेना है, फिर इसको डाला जाएगा। आधा चम्मच सौंफ है, ये ज़ीरा है आधा चम्मच, आधा चम्मच काली मिर्चें हैं, 4 लौंगे हैं, ये 5 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची है, ये छोटा सा फूल है, आधे से भी कम है जावित्री का, और ये दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा है। इन चीज़ों को और इसको और ये प्याज को सबको हम एक साथ पीस लेंगे और फिर इसमें मिलाएंगे चाप में। ये देखिए चाप के मैरिनेट हो गई है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मिलाएंगे, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच धनिया पाउडर और ये जो हमने मसाले पीसे थे ये भी इसी में मिलाएंगे। ये जो हमने प्याज और काजू खसखस नारियल वगैरह जितने सामान सब हमने पीसा था इन सबको हम अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। ये हमने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है मसाले। अब हम 1 चम्मच ये भर के इसमें दही डालेंगे और ये बेसन डालेंगे, 4 चम्मच अभी डालेंगे, भर के डालने हैं इस तरीके से। ये थोड़ा सा नमक भी डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब ये अच्छे तरीके से हमने इसमें ये सारे मसाले बेसन हर चीज़ मिक्स कर दिए। अब ये तलने के लिए रेडी हो गए चापे। अब हम इसे आपको तल के दिखाएंगे। ये देखिए एक फ्लैट बर्तन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, अब इसमें हम ये बिछा देंगे इसे। दो तीन मिनट जब ये अच्छे से एक तरफ से पक जाए तब इसको पलट देंगे हम। देखिए एक तरफ से हमने इनको पलट दिया है, अब इसको थोड़ा स्लो फ्लेम करके हम पकाएंगे। थोड़ा इन चापों को ऐसे खड़ा करके भी पका लें जिससे इस साइड जो हड्डी होती है उस तरफ से भी अच्छे से पक जाएगा।
तरीके से सब अच्छे से इनको हम पका लेंगे। अब ये चापे तल देंगे, अब इनको सर्व करते हैं। ये एक छोटा सा कोयला हमने इसमें दहका के रख दिया है, इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे जिससे इसमें धुंधार लग जाएगी। ये देखिए मटन चाप तैयार हो गई है, ये बहुत ही अच्छी बनी है। इसको प्याज और हरी धनिया की चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अल्लाह हाफ़िज़।